हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल का मैच नॉर्थ यूनाइटेड FC और मोहम्मदन SC का जो मैच के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल नॉर्थ यूनाइटेड FC का टीम उतर रही थी अगेन मोहम्मदन SC यानी कि आई लीग चैम्पियन के खिलाफ, और ISL सीजन 2024-25 की फर्स्ट मैच में ही नॉर्थ यूनाइटेड FC ने 0-1 स्कोर लाइन से मोहम्मदन SC के साथ जीत के इस सीज़न स्टार्ट किया है। और ये नॉर्थ यूनाइटेड FC के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्टिंग है। कल के मैच के बारे में बात किया जाए तो मोहम्मदन SC के होम ग्राउंड पर यानी कि किशोर भारती कोरिंगम पर कल का मैच हुआ था, और मोहम्मदन SC का फैंस का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला था। बहुत ही ज़्यादा क्राउड स्टेडियम भरा पड़ा था, और इसी क्राउड में नॉर्थ यूनाइटेड FC का टीम थोड़ा सा मिस्टेक भी कर रहे थे, अंडर प्रेशर हो रहे थे। और बाद मोहम्मदन SC ऐसा नहीं लगा कि मोहम्मदन SC कल ISL का फर्स्ट मैच खेला है। मोहम्मदन SC एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाला टीम है, ऐसा देखने को मिला। सभी को बहुत ही एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिला। कल का मैच में नॉर्थ यूनाइटेड FC और मोहम्मदन SC दोनों ही टीमों से अटैक देखने को मिल रहा था, और बहुत ही ज़्यादा चांस भी क्रिएट कर रहा था दोनों टीम ने। बट 90 मिनट तक कोई भी गोल देखने को नहीं मिला था दोनों ही टीमों के तरफ से। बट 90+4 मिनट पर थोई सिंह के एसिस के द्वारा अलादीन अजराय के चलते नॉर्थ यूनाइटेड FC को एक गोल मिल जाते हैं, और इस गोल के चलते नॉर्थ यूनाइटेड FC ने 1-0 स्कोर लाइन से मोहम्मदन SC के साथ जीत जाते हैं। दोनों ही टीम की डिफेंस के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही टीम का डिफेंस बहुत ही अच्छा है। मोहम्मदन SC का डिफेंस भी बहुत अच्छा डिफेंस किया था कल का मैच में। नॉर्थ यूनाइटेड FC का अटैकर्स को फुल्ली मार्क करके बैठा था, और नॉर्थ यूनाइटेड FC का डिफेंस ने भी ऐसा ही किया। मोहम्मदन SC का अटैकर्स को फुल्ली मार्क किया था, और कल का मैच में नॉर्थ यूनाइटेड FC का मिडफील्ड से मोहम्मदन SC का मिडफील्ड थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। मोहम्मदन SC ने मिडफील्ड पर कब्जा करके रखा था, और कल का मैच में एलेक्सिस गोमिस ने बहुत ही मुझे इम्प्रेस किया। क्या ही गेम प्ले देखने को मिला था एलेक्सिस गोमिस के तरफ से। और नॉर्थ यूनाइटेड FC का जिथिन MS ने भी बहुत ही मेहनत किया कल का मैच में, और बहुत अच्छे अच्छे रन बनाया था और चांस भी क्रिएट किया था। बट जिथिन MS का एक प्रॉब्लम देखने को मिलते रहते हैं कि जिथिन MS फाइनल बॉल को गोल में स्कोर नहीं कर पाते हैं। ये जिथिन MS को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। जिथिन MS को ऐसे भी मौका मिला था जिसमें जिथिन MS स्कोर कर सकते थे, बट नॉर्थ यूनाइटेड FC ने आखिर में मैच जीत लिया मोहम्मदन SC के साथ 1-0 स्कोर लाइन से। बट नॉर्थ यूनाइटेड FC का फैंस ने थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मदन SC के खिलाफ नॉर्थ यूनाइटेड FC 2-3 गोल दागेगा। बट 1-0 स्कोर लाइन से ही समाप्त करना पड़ा नॉर्थ यूनाइटेड FC को। तो आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय असम, वंदे मातरम।